बस आपका इंतजार हो रहा था महाराज। देखो तप से राज और राज से नर्क। जी हाँ, तपस्या करने से राज मिलती है और जो राजा होकर के अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं करता है, अपनी रैयत का पालन पोषण नहीं करता है, उसको फिर नर्क हो जाता है। और देखो नौकर, हमें तो यूं ही नर्क है क्योंकि हमारी पहली रानी के एक बेटी और एक बेटा था। जी हाँ, हमारी पहली रानी खत्म हो गई, दूसरा विवाह हुआ हमारा, उससे भी एक बेटा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारी बेटी दोनों आंखों से अंधी है। तो सब कुछ हमारे पास, लेकिन हम यही इसी चिंता में डूबे रहते हैं कि हमारी अंधी बेटी को कौन अपनी दुल्हन बनाएगा। यही चिंता मुझे रात दिन रहती है। क्यों नहीं महाराज, और कोई चिंता नहीं है। जी हाँ, है आइए, हमारे राज के सेना नायक आपके बीच आते हैं सेना पट पर। अफसोस, आज मैं रात दरबार में आकर के क्या देख रहा हूं कि महाराज गमगीन बैठे हैं। इससे पहले मैं जब भी रात दरबार में आता था महाराज हमेशा खुशहाल नजर आते थे, पर आज क्या बात है जो गमगीन बैठे हुए हैं। बात क्या है गमगीन बैठे हुए हैं। हमारी चिंता का कारण जानना चाहते हो? हाँ महाराज। उदासी का कारण जानना चाहते हो? बेशक महाराज। सेनापति बोझ सर पे है भारी मेरे, सेनापति बोझ सर पे, सभी जानते हैं कि छोटी राजकुमारी जो है बचपन से नैनहीन है। हाँ, बस यही चिंता मुझे रहती है हर समय, और कोई चिंता नहीं है। नहीं महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं महाराज। तो सब्र से काम ले है महाराज, सब्र से काम।
जी रेखा बेटी की शादी को रखना महाराज। हमारी बेटी रेखा अंधी है तो हमारे घर में उम्र भर उसका गुजारा भी नहीं हो सकता है और कोई अंधी लड़की को अपनी दुल्हन बनाएगा नहीं। नहीं महाराज, उसे अपनाएगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है महाराज। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि संसार में किसी की बेटी बिन ब्याही रह जाए। रेखा बेटी की शादी अवश्य होगी महाराज। अच्छा सेनापत, महाराज आज मेरे पूरे परिवार को दरबार में बुलाओ। हम सबके सामने एक वसीयत करना चाहते हैं, इसलिए मेरे परिवार को बुलाओ मेरे दरबार में। बहुत अच्छी बात है। आइए हम घर मालिक राम मिलन भैया से गुजारिश करेंगे कि एक गगरी मंगा दीजिए, मिट्टी का घड़ा, बहुत जल्दी ले आवे क्योंकि सीन आने वाली है। वो तो लीजिए, जो सौतेली सौतेली महारानी दरबार में आई है, आपके बीच आती है वो, और जो साथ में अपने एक बेटा लाई है जिसका नाम है कौशल सिंह, और देखिए फूल सिंह और रेखा दोनों सगे भाई बहन हैं। आप जगह महारानी आती है। हो जाता है यानी कि स्वर्गवासी हो जाती है पहली रानी। जो दूसरी रानी आई है ये राजमाता है और ये अपने साथ में कौशल बेटा को लाई है। ये कौशल सिंह है आपके सामने। और देखिए जो सगी लड़की जिसका नाम है रेखा, जो अंधी है, नयनहीन है अपने आंखों से, और वो आती है। और देखिए फूल सिंह आते हैं दोनों सगे बहन भाई। महाराज अभी फूल सिंह और राजकुमारी जी साथ साथ आ रहे हैं। सच कहते हैं सेनापत, लेकिन पिताजी आज राज दरबार में सब लोगों को बुलाकर आखिर क्या बात है ये हम जानना चाहते हैं। चरणों में गोता खा
समशीर खी दरबार में मुझे याद किया। बेटा तुम तो ये जानते ही हो कि तुम्हारी बहन अंधी है। क्यों है पिताजी? और बाप के दिल में यही दर्द रहता है, बेटी सयानी हो जाती है तो जब तक उसका विवाह नहीं होता है तो बाप के दिल में दर्द रहता है। ये बात आप सब कह रहे हैं पिताजी। अब हमारी बेटी अंधी है। वक्त हो रहा है, अभी तक भैया फूल सिंह और बहन रेखा भी तक दरबार राजदरबार में फंस रही है। हाँ हाँ आते ही होंगे। हम यह क्या देख रहे हैं आज इस दरबार में? पिताजी की आंखों से आंसू रवा हो रहे। अचानक क्या बात है बेटा? पिताजी हमारी आंखों में जो आंसू है, जो हमारे दिल में दर्द है बेटा, वो तुम्हें मालूम है कि हमारे दिल में कौन सा दर्द है? पिताजी जो तुम्हारी बहन अंधी है यही दर्द मुझे रात और दिन रहता है बेटा, और कोई दर्द नहीं है। पिताजी आपके आंखों से आंसू रवा हो रहे हैं, किसी अनहोनी की चुगली कर रहे हैं। पिताजी जिगर में बेकर
यही दिल में बेकरारी है, सयानी हो गई बेटी, जिगर में बेकरारी है। ना पिताजी नहीं। बेटा फूल सिंह चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है बेटा, और कोई बात नहीं है। लेकिन नहीं पिताजी, अभी ये फूल सिंह जी भी थे और अपनी बहन के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। बेटा हमारी अंधी बेटी को कौन अपनाएगा, कौन अपनी दुल्हन बनाएगा मेरी अंधी बेटी को। सारे परिवार के सामने मैं अपने दिल की बात कहूंगा। क्यों नहीं पिताजी, हमारी लाडली बेटी को जो अपना बनाए। करती हो, चुप रहो, मैंने जो
राधिराज का मालिक बना दूंगा। अरे पिताजी, तुम्हें अगर कोई बात के लिए इतरा थे कोई बात है तो जाओ जाओ मेरे आगे से हट जाओ, क्योंकि मेरी अभी बेटी उसके जीवन का सवाल है। जो कुछ मैंने कह दिया अब वही करूंगा। जरा सोचिए पिताजी, यह अच्छी अच्छी लड़कियों की शादी नहीं होती है, और इस शादी करेगा। बेटा तुम इस बारे में मुझसे क्यों बहस करते हो, यह तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारा भी सोच है कि इसका विवाह करो। जरा सोचो, जाओ जाओ मेरे सामने से हट जाओ। बेटा फूल छोड़ कर ऐसे कुछ मत करो, देखो जिंदगी तबाह कर देना चाहते। देखो बेटा, ये तुम्हारी बहन अंधी है, इसका ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। बेटा तुम्हारा फर्ज है कि इसका ख्याल रखो, इसकी हिफाजत करो, और जैसे भी होगा मैं जरूर इसका विवाह करूंगा। क्यों नहीं पिताजी? बेटा तुम इसकी हिफाजत करना, इसकी देखभाल करना, ख्याल रखना बेटा इसका, क्योंकि ये तुम्हारी बहन है। बेटा क्यों नहीं पिताजी? ये मेरी बहन है, इसके लिए फूल सिंह अपनी बहन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। आप हम तुम्हारे सर आंखों पर, जो मेरी बहन के साथ शादी करेगा वो अधिरैयत का मालिक कहलाएगा। बेटा फूल सिंह, देखो तुम्हारी सौतेली माँ इस बात से नाराज हो गई है, तुम्हारा सौतेला भाई भी इस बात से नाराज है, जो मैंने ये कह दिया कि जो हमारी बेटी को अपनाएगा उसे अपनी आधीराज का मालिक बना दूंगा। इस बात से तुम्हारा सौतेला भाई और तुम्हारी सौतेली माँ दोनों नाराज हो गई है, ये ख्याल रखना बेटा। आप सब कहते हैं पिताजी, परंतु मैं अपनी बहन के लिए ऐसा फल ढूंढूंगा और अपनी बहन के लिए ये फूल सिंह इसी वक्त जाएगा, इस सारे रात में ढिंढोरा पीटा जाएगा। जो भी मेरी बहन के साथ शादी करेगा वो अधिरैयत का मालिक कहलाएगा। नौकर, हाँ मालिक, ये मैंने अच्छा किया है ना? मालिक, जो फैसला आप करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो ठीक है, जाओ हमारे नगर गुजरात में ये ऐलान कर दो कि जो हमारी अंधी बेटी को अपनी दुल्हन बनाएगा उसे मैं अपनी आधीराज का मालिक बना दूंगा। बहुत अच्छी बात, चलिए आप आराम करें। सेनापति जी आप ही आराम करें और हम भैया। अरे वो पगली भैया, देखो हमेशा बहन की आंखों में आंसू रहते हैं, कभी हम इसको हंसते नहीं देखा। ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? वाह, क्यों मुझे चेते जी मार देना चाहते हो? देखो ये तो तुम्हें मालूम भैया, जब मेरी आंखों से कुछ दिखाता नहीं कैसे क्या करूंगी मैं, कैसे क्या करूंगी मैं? बहना, हर एक भाई हर एक बाप का कर्तव्य है कि अपनी बहन की शादी करे धूमधाम से। हम तेरे हाथों में इतनी मेहंदी लगवा दूंगा कि तेरा होने वाला पति देख करके बहुत खुश हो जाएगा। क्यों भैया? अरे भैया देखो, हम अपनी रेखा को हंसते हुए देखेंगे इसलिए। हाँ बिल्कुल, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी, मेरी प्यारी बहन।